अखबार से ज्यादा मैं खुद ले रहा हूँ सर। आपको इल्म होगा कि बच्चे की तस्वीर मैंने ही आपके शोबे को दी थी। लेकिन अब आपका अखबार हमसे कंफर्म जरूर कर ले। बेहतर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर छापी नहीं। सर वो सिंथोर की बीमारी लगी है जमीनों को, दुरुस्ती तो हुई नहीं, सर पे कर्जा चढ़ गया जी। उसकी ऊपर तक पहुंच है, वजीरों और अफसरों से उसकी यारी है, उसका जवाई वड्डा अफसर है, वो नहीं जीतेगा तो क्या मैं जीतूंगा? वो घर हमें कंपनी ने दिया, इसमें उसका क्या बीज है? हमारे माँ बाप एक पेड़ की जड़ें हैं जो दूर तक माहौल और तहसीब की जमीन में गई हुई हैं। मेरा मुकद्दर तो आपसे वाबस्ता है, मैं तो मुश्क का सौदागर हूं, खुशबू को दूसरों तक पहुंचाना मेरा पेशा है। और मैं चाहता हूं, मेरा मतलब तुम कंपनी दो इस डिनर में मुझे, जरा ठीक ठाक हो के साथ चलो। मैं कॉफी बगैर दूध और बगैर चीनी के लेता हूँ, तुझे अच्छी चीजों में मिलावट अच्छी नहीं लगती। हर काम के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, फिर खेट पड़ती है, और खेट पड़ती है तो मजा तो आता है ना। अभी तक आया है और 104 रुपए में कलम घिसाया है, हराम के नहीं होते थे 104, बस नूर बस। अगर एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो मैं तेरी सूरत बिगाड़ दूंगा पार्टनर। तो बड़ा नामुमकिन हो जाएगा ये काम। कोई टेलीफोन नंबर, कोई एड्रेस वगैरह हो? देखिये आप हैं घर की खवातीन, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसे उसकी तो जवान बेटियां भी तो हैं, उन पर तो मैंने नजर रखी हुई है। कुछ बोलेगा? जहां तक सोहा की मर्जी की बात है तो वो शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए न सिर्फ अबरार के लिए बल्कि किसी के लिए भी उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। लेकिन वो वक्त हमारे लिए बेकार होगा, शायद हम उठ बैठ ना सकें, चल फिर ना सकें, या फिर इस दुनिया से ही। दफ्तर में उसका इंटरेस्ट, उसकी एफिशिएंसी असेस होती है और यूं सिलेक्शन होता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सके। देखो अजीम अब्बासी, हमने अब्बासियों से रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा था कि तुम कराची में बैठकर हमारी पग उछालो और दफ्तर में लड़कियों करा कर अय्याशियां करो। देखिए भाई जी, आप ज्यादती कर रहे हैं। करेंगे, बहुत कुछ कर लिया मैंने, समंदर में चीनी डालकर मीठा करने की कोशिश कर ली मैंने। तुम लोग ना तो बदले में कुछ दोगे और ना ही मेरी खिदमत का एहसास होगा। ए बिजली, चलना, वक्त पे पहुंचना है। तुझे पता है कितने दुश्मन है हमारे, अगर वो हमसे पहले पहुंच गए ना तो सबकी जेबें खाली करवा लेंगे, मुश्किल में आ जाएंगे हम। महमूद और निताशा को क्या जवाब देंगे? इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। मैं अगर मर जाऊं, मेरा जनाजा उठेगा तो उस घर से, मेरी ताजियत की जाएगी तो उस घर के लोगों से। तो तुम हो चौधरी, और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझ पे मुसीबत आई है। मुसीबत तो अभी आएगी। मगर ये नहीं सोचा कि हुमा भी किसी की बेटी है, उसकी शादी के दिन तय हो चुके, कार्ड बट चुके हैं, उसके अरमानों का क्या होगा? मेरे दिल में उसके लिए बहुत तड़प है, मैं उसे बताना चाहता था लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, और मुझे तड़पता हुआ छोड़। मेरे इमेज को बर्बाद मत करो, ऊंचाई पे खड़े रहोगे तो नीचे खड़े लोग झुक कर बात करेंगे, और अगर उनके लेवल पे आ जाओगे तो आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे। रात के खाने के बाद अच्छी चाय का मजा ही कुछ और होता है, और यकीनन ये चाय तुमने बनाई हो। और सुनाओ तौफिल कैसा है, ऑस्ट्रेलिया जाके मैं भूल तो नहीं गया? दरअसल हम चाहते थे कि घर की बच्ची घर में ही रहे, वो खानदान एक मिडिल क्लास है, बच्ची के बाप की डेथ हो चुकी है, बड़े भाई के साथ रहती है। शुक्र करो उन्होंने अपनी कंपनी से हमें निकाला नहीं, और आजकल नौकरी मिलने की जितनी मुश्किलात हैं तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए।